हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे पावर पॉइंट से गूगल मैप में स्पेसिफिक प्लेसेस को एनिमेटेड तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि और भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे दोस्तों, गूगल में जाना है आपको और जिस एरिया की लोकेशन आपको चाहिए, मैप चाहिए, उस एरिया को गूगल में टाइप करना है और फिर मैप से जाना है, मैप पे क्लिक करना है। आपके सामने मैप खुल के आ जाएगा उस एरिया का और जो मैप आपको चाहिए उस मैप पे आपको जाके स्क्रीन पे लेके आ जाना है। स्क्रीन पे लेके आने के बाद दोस्तों, कीबोर्ड के इस बटन को एक बार प्रेस करना है, PRTSC बटन को एक बार प्रेस करना है और फिर से पावर पॉइंट में जाना है। मैं यहाँ पे नई स्लाइड ले लेता हूँ आपको बताने के लिए। यहाँ पे Ctrl+V दबा देना है। Ctrl+V आपने दबा दिया है, यहाँ पे पूरी की पूरी स्क्रीन आपको लैपटॉप की आ गई। अब चूँकि मैंने नया लिया है तो मैं अपने इस पे बनाऊँगा। अब मैंने दोस्तों ड्रॉप का साइन ऊपर से उठा लिया है और इसकी हम नोक को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि अच्छा लगे। फॉर्मेट में से उठाया मैंने ये और इसको अपने अनुसार एडजस्ट कर लेंगे और सेव फिल में जाके इसको कलर दे देंगे और सेव आउटलाइन में हम नो आउटलाइन डाल देंगे और एक सर्कल ले लेंगे इसके बीच में लगाने के लिए ताकि इसका लुक जो है अच्छी हो जाए। इसको हम ड्रॉप के मिडिल में लेके आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, अब ये देखिए यहाँ से मिडिल में आ जाएगी और इस सर्कल को हम कलर दे देंगे वाइट जिससे ये हाईलाइट हो जाए और इसको भी नो आउटलाइन कर देंगे। अब जो सिलेक्ट कर लेंगे और Ctrl+G दबाएंगे। Ctrl+G दबाने के बाद ये सिलेक्ट हो जाएगा और अब हम इसको उठा के यहाँ पे हमें रखना है, वहाँ पे रख देंगे। अब दोस्तों हम Ctrl+D दबाएंगे। Ctrl+D मतलब डुप्लीकेट्स का बना लेंगे Ctrl+D दबा के और जहाँ जहाँ हमको रखना है हम वहाँ वहाँ Ctrl+D दबा दबा के फिर से हम इसका डुप्लीकेट बना लेंगे और जितने हमको चाहिए उतनी बार हमको Ctrl+D दबा के इसको हम अपने अनुसार रख लेंगे। देखिए दोस्तों, साथ बना लिए हैं, तो बना रहे हैं। उसके बाद उसको फॉर्मेट में से लाइन को लेना है और लाइन को इस तरीके से इसके ऊपर ड्रो कर देना है। इतना हमको चाहिए, हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। दोबारा एक लाइन को लेना है और हमको ऐसे लाइन को ड्रो कर देना है। अब हमको दोनों को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा के हम सिलेक्ट कर लेंगे और शेप आउटलाइन जाके हम इसका कलर दे देंगे रेड और शेप आउटलाइन में ही जाके हम विड्थ में जाके मोटाई को थोड़ा गलेंज से हाईलाइट होकर दिखाई दे। चलिए हम ये ले लेते हैं। सेलेक्ट कर लिया, अब हमको Ctrl+G दबाना है और Ctrl+D दबाना है, इसका डुप्लीकेट बनाएंगे। पहले आपको Ctrl+G दबाना पड़ेगा, उसके बाद Ctrl+D और ऐसे ही हम इसका डुप्लीकेट बना के हम रख लेंगे। हर किसी लोकेशन के ऊपर हम एक डाल देंगे। डाल दिया है। इसको रिकॉर्ड यहाँ पर लेना नहीं है और हमको उसको दूसरी साइड रोटेट करना है तो हम फोन मिल जाएंगे। देखिए आपको यहाँ पे रोटेट दिखाई दे रहा है, इसको लगाएंगे
इसको हॉरिजॉन्टल रोटेट कर देंगे, इसको इसी तरीके से हम इस वाले भी ये लगा देंगे डुप्लीकेट। और जैसे ये ऊपर जा रहा है तो इसको हम छोटा कर देंगे, सेट किया ये लाइन को हम यहाँ से ऐसे छोटा कर देंगे ताकि ये स्क्रीन पे फिट हो जाए, कि हम दूसरे वाले को भी ऐसे ही कर लेंगे। चलिए हम इसको रोटेट कर लेते हैं, इसको यहाँ पर रख लेते हैं और इसको छोटा कर देते हैं। इसको हमको एक बॉक्स लेना है और इसको बॉक्स यहाँ पे ड्रा कर देना है जिससे हम लोकेशन के बारे में लिख सकें। और शेप में जाना है तो नो फिल कर देना है ताकि कोई भी बॉक्स हमको दिखाई ना दे, इसमें कोई भी कलर ना आए। और अब हम उस पर टाइप कर देंगे नाम, कोई भी नाम जो हमको चाहिए, जिस नाम के हम लोकेशन दिखाना चाहते हैं वो हम नाम यहाँ पे टाइप कर देंगे। अभी मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी ले लेता हूँ, आप अपने अनुसार उसको एडिट कर सकते हैं। चलिए मैं ले लेता हूँ, इसका हम साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, उसको कलर दे देते हैं रेड, हम लिख देते हैं पोस्ट ऑफिस। मान लो हम ये पोस्ट ऑफिस को दिखाना चाहते हैं मैप पे, इस जगह है यहाँ पे पोस्ट, और इसको एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। उसी तरह हम इसको कंट्रोल, चलो बोल्ट कर लेते हैं, पहले बोल्ट करके इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम कंट्रोल डी दबा के इसका डुप्लीकेट बना लेंगे। ये देखो हमने कंट्रोल डी दबाया और इसका डुप्लीकेट बना लिया, इसको सेलेक्ट किया, दोबारा फिर इसका बना लिया डुप्लीकेट। इसी तरीके से हम हर किसी के ऊपर एक रख देंगे ताकि हम हर किसी की के बारे में लिखकर बता सकें कि वो जगह किस नाम से है या हम क्या दिखाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए हर किसी पर रख दिया हमने, ये कंट्रोल डी दबाना है दोस्तों, सेलेक्ट जरूर कर लेना है पहले। हम इसको रोटेट कर लेते हैं, तो आ नहीं रहा है पूरी जगह ये दोस्तों। फिर हम एनिमेशन पे जाएंगे, ये एनिमेशन पेज को आप सेलेक्ट कर लें दोस्तों पहले, ताकि आपके साइड में राइट साइड में दिखाई देता रहे आप कितना कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। और फिर इफेक्ट में आप डाल सकते हैं, ये सेलेक्ट करना है आपको, एनिमेशन पेज कर लेना है आपको, यहाँ साइड में दिखाता रहे जो हमको ये करना है। और इसमें ऐड इफेक्ट डाल देना है हमको, वाइप डाल देंगे, देखिए इस तरीके से। और इफेक्ट ऑप्शन में हम राइट या लेफ्ट इसको चूज कर सकते हैं किधर से वाइप होकर दिखाएगा, देखो हमने राइट कर दिया है। और हम अब हम इसको बॉक्स को इफेक्ट डालेंगे, एनिमेशन ऐड एनिमेशन जाएंगे, इसको हम जूम कर देते हैं, देखिए इस तरीके से आएगा। राइट में आपको देख सकते हैं दोस्तों लिखा रहा है हम जो जो हम डाल रहे हैं, स्टार्ट ऑन क्लिक कर सकते हैं, स्टार्ट विथ प्रीव्यू भी कर सकते हैं आप इसमें यहाँ पे टाइमिंग डाल सकते हैं और विथ प्रीव्यू कर सकते हैं, ऑन क्लिक कर सकते हैं। ऑन क्लिक पे आप जब भी क्लिक करेंगे तभी आएगा, और स्टार्ट प्रीव्यू पे वो अपने आप कुछ जितना समय आप डालते हैं उतने समय बाद आ जाएगा। हमने 0.50 डाला है, यानी कि आधा सेकेंड के बाद वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम दूसरे को चलो ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं और इस पर हम डालते हैं फ्लोटिंग डाल देते हैं, ये देखिए ऐसे। और अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ऐड एनिमेशन जाएंगे, इस पर हम वाइप डाल देंगे, ये देखिए ऐड इफेक्ट हम राइट से डाल देंगे। इसी तरीके से हम बारी बारी से हर किसी के ऊपर एनिमेशन को लगा देंगे। जिस सीरियल से आप इसको एनिमेशन सेलेक्ट करेंगे उसी सीरियल से आपको बाद में दिखाई देगा।
ये देखिए दोस्तों, हर किसी पे हमने प्लेसेस के ऊपर डाला है प्लॉट इन और लाइन के ऊपर डाला है हमने वाइप और जहां हमको जगह दिखानी है उस पर डाला हमने जूम हर किसी के ऊपर। लाइन को और जो जगह का नाम लिखा है उसको आप स्टार्ट प्रीव्यू कर सकते हैं ताकि वो जगह के बाद अपने आप आ जाए और जगह को आप कर सकते हैं ऑन क्लिक। ये देखिए अब लगभग लगभग बनके हमारा तैयार है दोस्तों। लाइट में आप देख सकते हैं हमने कितना इसको एनिमेटेड किया है, रियल से दिखा रहा है। हम थ्रेड शो पे जाएंगे और देखिए ऑन क्लिक किया, इस तरीके से हमारा बनके तैयार है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी शेयर करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।